क्या आप जानते हैं कि आखिर विजय थलपति की लियो कहां तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर पाई है, या फिर क्या आपको खबर है कि टाइगर श्रॉफ की गणपत बॉक्स ऑफिस पर जो रेंगती रेंगती चाल चल रही थी वो आखिर कहां तक अब पहुंच पाई है, या फिर क्या आप जानते हैं कि आखिर रणबीर कपूर क्यों कुछ वक्त के लिए फिल्मों से ब्रेक लेने वाले हैं। अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज की बॉलीवुड की 5 बड़ी खबरें हमारे शो बॉलीवुड बुलेटिन के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। आज की 5 बड़ी बॉलीवुड की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के पार हुई विजय थलीपति की लियो। विजय थलीपति की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लियो ने न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रहे बल्कि वर्ल्ड वाइड भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। फिल्म ने जहां घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 264.80 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो वहीं दुनिया भर में 500 करोड़ के क्लब में भी हिस्सा ले लिया है। लियो के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि ऐसा करने वाली लियो सबसे तेज तमिल फिल्म बन गई है। एनिमल के बाद फिल्मों से 6 महीने का ब्रेक लेंगे रणबीर कपूर। रणबीर कपूर जो कि हैं इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म एनिमल को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। हम सब जानते हैं कि एक्टर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी छाए रहते हैं, लेकिन अब रणबीर कपूर ने फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला लिया है। रणबीर 6 महीने का ब्रेक लेने वाले हैं। बता दें कि रणबीर ने एक इंटरेक्शन में कंफर्म कर दिया है कि वो फिल्मों से 6 महीने का ब्रेक लेने वाले हैं ताकि वो बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। रणबीर अपनी पेरेंटल ड्यूटीज पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं क्योंकि आलिया अपनी आने वाली फिल्म जिगरा की शूटिंग में बिजी रहने वाली है। दशहरे पर भी नहीं चला टाइगर श्रॉफ की फिल्म का जादू। टाइगर श्रॉफ और कृति सनन की फिल्म गणपत का बुरा हाल है। फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पा रही है। गणपत को अपना बजट भी पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में फिल्म के 5वें दिन के कलेक्शन में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक गणपत ने 5वें दिन 1.50 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद टोटल कलेक्शन 9.80 करोड़ हो गया है। गणपत ने अपने पहले दिन 2.5 करोड़, दूसरे दिन 2.25 करोड़, तीसरे दिन भी 2.25 करोड़, चौथे दिन 1.30 करोड़ का कलेक्शन किया है। श्रद्धा कपूर ने खरीदी नई लिम्बोर्गिनी कार। शक्ति कपूर की बेटी और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने ब्रांड न्यू लिम्बोर्गिनी कार खरीदी है। बता दें कि एक्ट्रेस कारों की शौकीन है और अब उनके कार कलेक्शन में लिम्बोर्गिनी भी शामिल हो चुकी है। कार के शोरूम ऑटोमोबाइली एजेंट इंडिया ने पोस्ट के जरिए श्रद्धा के न्यू लिम्बोर्गिनी खरीदने की जानकारी दी है। शोरूम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर श्रद्धा की उनकी नई कार के साथ फोटोज शेयर की है। ऑस्कर के लिए जाएगी विक्रांत मेसी की 12th फिल्म। कुछ दिन बाद हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार विक्रांत मेसी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 12th फेल सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। सच्ची कहानी पर आधारित 12th फेल को लेकर रिलीज से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की 12th फेल को ऑस्कर भेजने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 12th फेल के मेकर्स के एक करीबी सूत्र की तरफ से यह सूचना आ रही है कि इस मूवी के मेकर्स दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड शो ऑस्कर 2024 के लिए 12th फेल को भेज सकते हैं। खैर, ये थी आज की 5 बड़ी बॉलीवुड की खबरें। आप भी इन पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।